कांग्रेस ने किया हार पर मंथन, चारों प्रत्याशियों के साथ विधायकों ने भी रखी अपनी बात। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ चारों प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, धनीराम शांडिल, पवन काजल और आश्रय शर्मा सहित कई विधायक शामिल हुए। मीटिंग के बाद रजनी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक नगर पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है और वहां पर चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ईवीएम से चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को वहां हार हुई है। ऐसी स्थिति में ईवीएम पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर व चुनाव करवाने की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी हार के कारणों पर मंथन कर रही है और जरूरत पड़ेगी तो संगठन में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद बूथ स्तर से लेकर बदलाव किए जाएंगे। सुनिए क्या बोली रजनी पाटिल। सबसे बातें करके ये पता चलेगा कि जो भी खामियां रहे ना केवल हिमाचल में देश में, तो सब हमारे इंचार्जेस और जनरल सेक्रेटरी जाके मंथन कर रहे हैं और जहाँ पे खामियां रही वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। संगठनात्मक कुछ चेंज करने हैं हमें, हमारे बूथ लेवल से लेके अभी संगठन मानना है, तो हम पूरा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आए हैं और जो भी हमें करना पड़ेगा उसके लिए तो वो सब पूरी की पूरी हम तैयारी करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो अलाइज पार्टनर हैं वो भी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, चाहे ईवीएम के बारे में हो, शरद पवार जी का भी बयान में सुन रही देख रही थी, तो मुझे लगता है इससे सभी के ऊपर मंथन करना जरूरी है और इसके लिए सब ने मिलके अपनी आवश्यक है कि आप कार्रवाई करें। तो हम सबसे बात करेंगे और जो भी हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता है, हमारे जो सीनियर लीडर्स है और सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लेना मैं महत्वपूर्ण समझती हूँ क्योंकि कार्यकर्ताओं का फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनसे लेके फिर हम उसके तरह से एक रिपोर्ट करवा दें। मैम, आने वाले समय में कांग्रेस क्या बैलेट पेपर पर डिमांड करेगी जो आगे चुनाव होंगे देश में? कांग्रेस पार्टी तो करेंगे, लेकिन हम पर्सनली चाहते हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। देखिए कर्नाटक में अभी जब बैलेट पेपर का चुनाव हुआ लोकल लेवल का, उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस आ गई है और जब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होता है तो हम हारते हैं, तो इसका कुछ कारण तो खोजना चाहिए। मुझे लगता है उसके लिए हमें खोज करना चाहिए, उसके लिए हमें जो टेक्नीशियंस है उनसे बात करनी चाहिए और मुझे पर्सनली अगर मुझे पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है।